हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं दिव्या और आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूं बालूशाही की रेसिपी, जो बनेगी बाहर से एकदम खस्ता और अंदर से एकदम नरम, सॉफ्ट, जूसी, पूरी चाशनी में डूबी हुई। तो शुरू करते हैं। तो पहले देखेंगे इसे बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। तो ये उसकी लिस्ट है, इसे आप अच्छी तरह से देख लीजिए। तो सबसे पहले एक थाली में ले लेते हैं हम 2.5 कप मैदा। इसके बाद इसमें हम डाल रहे हैं 1 टीस्पून, 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर। बेकिंग सोडा नहीं डालना है, बेकिंग पाउडर ही डालना है। इसे अच्छी तरह से आप मैदे में एक बार मिक्स कर दीजिए। इसके बाद हम डालेंगे इसमें 1/2 कप घी, जिसे मोयन कहते हैं, और घी को हम पूरे मैदे में अच्छी तरह से मिलते तक मिक्स करेंगे। और ये हो गया। इसके बाद हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करेंगे और इसका आटा लगाना शुरू करेंगे। ध्यान रखिएगा कि हमें इसका आटा रोटी की तरह चिकना नहीं मारना है, सिर्फ हमें पूरे मैदे को इकट्ठा कर लेना है पानी से, नहीं तो जो बालूशाही में लेयर्स आती है ना, वो बिल्कुल भी नहीं बनेंगी। तो इसे हमें मार करके चिकना नहीं करना है, सिर्फ इकट्ठा करना है। अब इसे हम ढक करके 20-25 मिनट के लिए इसी तरह से छोड़ देंगे ताकि हमारा मैदा एकदम फूल करके तैयार हो जाए। अब इसको हम खोलते हैं और एक बार और मैदे को हम अच्छी तरह से मसल लेंगे। और इस बार कुछ इस तरह से करेंगे, एक बार इसको तोड़िए, फिर से इसको मिलाइए, फिर तोड़िए, फिर मिलाइए। ऐसे इस स्टेप को आप 7 या 8 बार रिपीट कर लीजिए। इससे आपकी बालूशाही में बहुत ही अच्छी लेयर्स बनेंगी। तो ये हो गया। अब हम इसकी बालूशाही की छोटी छोटी टिक्कियाँ बनाना शुरू करते हैं। तो एक छोटा सा पोर्शन लीजिए और इसे इस तरह से हाथ के बीच में गोल कर लीजिए। इसे एकदम चिकना मत करिएगा, सिर्फ एक राउंड शेप दे दीजिए। उसके बाद एक फिंगर की सहायता से इसके बीच में एक गड्ढा कर लीजिए, ऐसा। इस तरह से हम सेंटर में एक गड्ढा कर लेते हैं और फिर एक छोटा सा गड्ढा हम इसके पीछे भी कर देते हैं। बहुत हल्का सा करेंगे, पीछे बहुत गहरा गड्ढा नहीं करना है हमें। और एक बालूशाही की टिक्की हमारी बनके तैयार हो गई है। इसी तरह से हम और भी बना लेंगे। ध्यान रखिए कि बहुत ज़्यादा आपको चिकना नहीं करना है इसे, बस गोल शेप देना है। और आपको बहुत बड़ा पोर्शन भी नहीं लेना है, क्योंकि तलते वक्त इसका साइज़ में ये थोड़ा बड़ी हो जाती है। अगर आप अभी ही बड़ा पोर्शन लेंगे तो आपकी बालूशाही बहुत बड़ी हो जाएगी, जो कि अच्छी नहीं दिखेगी। तो इस तरह से आप छोटी छोटी सी इसकी टिक्कियाँ बना करके रख लीजिए। बिल्कुल चिकना मत करिएगा, नहीं तो लेयर्स नहीं आएंगी अच्छी। सिर्फ गोल शेप देना है। तो हमने सारी बालूशाही की टिक्कियाँ बना के तैयार कर ली। इसे हम साइड में ढक कर के थोड़ी देर रख देते हैं और हम बनाने जाएंगे अब चाशनी। इसके लिए मैंने गैस पे पैन रखा है। इसमें हम डाल रहे हैं 2.5 कप चीनी और इसमें हम डालेंगे 1/4 कप पानी। जितनी चीनी होती है उससे आधी मात्रा में पानी लगता है चाशनी बनाने के लिए। तो हमने 1/4 कप पानी डाल दिया और इसे हम हाई फ्लेम पे लगातार चलाते हुए मिला लेंगे, जब तक कि हमारी चीनी नहीं घुल जाती। इसे चलाते रहिए, नहीं तो जो चीनी है वो जम जाएगी नीचे। और ये हाई फ्लेम पे हम पका रहे हैं इसे। और हमारी देखिए अब चीनी घुल चुकी है, तो हमने इसका फ्लेम मीडियम कर दिया है। और इसके बाद मैं डालूंगी केसर वाला पानी। 2 चम्मच पानी में मैंने थोड़ी देर के लिए केसर डाल के छोड़ दिया था, वो है ये। इसके बाद हम डालेंगे इलायची पाउडर, ये ज़रूर डालिएगा। इसी से आपका एक अच्छा फ्लेवर आएगा बालूशाही में, नहीं तो बहुत ही प्लेन प्लेन लगेगी बालूशाही आपकी। और मीडियम फ्लेम पर इसे हम उबालेंगे, जब तक कि हमारी चाशनी जो है थोड़ी सी गाढ़ी नहीं हो जाती है। और चलाते रहिए इसे बीच बीच में। और देखिए जब मैं इसे चम्मच से गिरा रही हूँ तो ये देखिए थोड़ा गाढ़ा गिर रहा है, एकदम पानी की तरह पतला नहीं है। तो चाशनी हमारी बनके तैयार है। हम गैस अब बंद करेंगे और तलेंगे बालूशाही। तो हमारा तेल बहुत ही हल्का गर्म है और एकदम लो फ्लेम पे है। इसे हमें लो फ्लेम पे बहुत ही कम गर्म तेल में हमें सेकना है। तो इस तरह से आप सारी बालूशाही डाल दीजिए और एकदम लो फ्लेम पे सेकिए। और जब ये तैर करके ऊपर आ जाती है तब फ्लेम को हम मीडियम करेंगे और इसे नीचे से हल्का ब्राउन होते तक सेक लेंगे। 1.25 मिनट में ये नीचे से हल्की सी ब्राउन हो जाएगी, बहुत डार्क कलर हमें नहीं चाहिए नीचे से। तो बस ये 1.25 मिनट के लिए इसे हम मीडियम फ्लेम पे सेक रहे हैं और इसके बाद हम इन्हें पलट देंगे। और पलट करके भी इसे हम 1.25 मिनट के लिए ही सेकेंगे ताकि दूसरे साइड से भी हल्का ब्राउन कलर आ जाए। तो ये देखिए इतना अच्छा कलर आया, इसे डार्क नहीं करेंगे हम इसे। और बस तैयार है। इसके बाद इसे हम निकाल कर डायरेक्ट चाशनी में डाल देंगे और चाशनी में इसे 2-3 बार अलट पलट कर देंगे अच्छी तरह से, ताकि पूरी चाशनी में एकदम ये इसका कोटिंग हो जाए चाशनी की, बालूशाही के ऊपर। और इसको हम इसमें 10 मिनट के लिए इसी तरह से छोड़ देंगे। 10 मिनट में पूरी जो बालूशाही है उसके अंदर चाशनी अच्छी तरह से घुस जाएगी और हमारी बालूशाही अंदर से बहुत नरम बनेगी। तो इसे एक प्लेट में निकाल लीजिए, तैयार है। और थोड़ा पिस्ता से गार्निश करिए
और या तो इसे आप गर्म भी खा सकते हैं, फ्रिज में रख करके भी बाद में ठंडी खा सकते हैं। देखिए हमारी बालूशाही बहुत ही अच्छी बनी है, बाहर से एकदम खस्ता है, इतनी आसानी से टूट भी रही है और अंदर से आप देख सकते हैं बिल्कुल भी ये कच्ची नहीं है। और आपको वीडियो में दिख रहा होगा कि एकदम चमक रही है अंदर से, मतलब चाशनी पूरी अंदर तक गई है, बहुत टेस्टी बनी है। तो आप भी ज़रूर ट्राई करिए इस रेसिपी को। और अगर आपको आज का मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलती हूँ मैं बहुत जल्द आपसे अगले वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।